हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेसन में हम समझेंगे एसिड रेन के बारे में। और इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे व्हाट इज एसिड रेन, यानी कि एसिड रेन क्या होती है उसके बारे में। और उसके बाद हम समझेंगे कि एसिड रेन जो है वो हमारी नॉर्मल रेन से किस तरह से डिफर करती है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ एसिड रेन के, यानी ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारी एसिड रेन जो है वो देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करेंगे केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ एसिड रेन की, यानी ऐसे कौन से एसिड्स हैं जो हमारी नॉर्मल रेन में मिलके उसे एसिडिक रेन बना देते हैं। फिर उसके बाद हम केमिस्ट्री ऑफ एसिड रेन की बात करेंगे, यानी ऐसी कौन सी रिएक्शंस हैं जिनके थ्रू जो है ये एसिड्स जो है हमारे एटमोसफेयर में बन रहे हैं। फिर हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ एसिड डिपोजिशन, यानी कि ये जो एटमॉस्फेयर में एसिड बन रहा है ये हमारे अर्थ के सरफेस पर कौन सी डिफरेंट फॉर्म्स में जो है डिपॉजिट होता है उसके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे इंपैक्ट्स ऑफ एसिड रेन के बारे में, यानी कि एसिड रेन के कौन से नेगेटिव इफेक्ट्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करेंगे रीजन्स इन द वर्ल्ड फेसिंग इट, यानी पूरे वर्ल्ड में कुछ ऐसी कंट्रीज की बात करेंगे जहां पर एसिड रेन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे कंट्रोल ऑफ एसिड रेन के बारे में, यानी एसिड रेन ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनके थ्रू हम एसिड रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एसिड रेन। एसिड रेन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होता जा रहा है, बहुत ज्यादा व्हीकल्स जो है मार्केट में आते जा रहे हैं, हर इंसान के पास अपना अपना व्हीकल है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होती जा रही हैं। और इन ग्रीन हाउस गैसेज की बात करें तो मेजरली जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है उसके साथ साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होती हैं, ये जो दो मेजर गैसेस हैं ये है हमारे एटमॉस्फेयर में भी रिलीज हो रही है। और ये जो गैसेस हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो वाटर वेपर्स होते हैं उनके साथ मिक्स होकर रिएक्ट करके एसिड्स बनाती हैं। और ये जो एसिड्स हैं हमारे रेन के साथ मिक्स होकर जब हमारी अर्थ की सरफेस पे गिरते हैं तो हम कहते हैं कि एसिड रेन बन गई है। उसके बाद बात करें तो ये जो एसिड रेन की प्रॉब्लम है ये एक लोकलाइज्ड प्रॉब्लम नहीं है, ये यानी कि ये जिस एरिया में पोल्यूशन हो रहा है ये सिर्फ उसी एरिया तक सीमित नहीं है। जब ये गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड होती हैं, यानी कि SO2 और NOx गैसेस जब हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड होती हैं तो ये एयर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकती हैं। यानी कि अगर कोई एक एरिया इंडस्ट्रियलाइज एरिया जो है ये सब गैसेज प्रोड्यूस कर रहा है तो जरूरी नहीं है सिर्फ उसी इंडस्ट्रियलाइज एरिया में जो है एसिड रेन की प्रॉब्लम देखी जाएगी, बल्कि ये जो है किसी और एरिया में एसिड रेन होने का कारण भी बन सकता है। तो इसीलिए एसिड रेन को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो एसिड रेन है ये हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, ह्यूमन हेल्थ को बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पहुंचाती है। तो अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ एसिड रेन टू नॉर्मल रेन की, यानी कि एसिड रेन किस तरह से नॉर्मल रेन से डिफर करती है। तो नॉर्मली जब देखा जाता है कि जो हमारी जो नॉर्मल रेन है उसकी पीएच 5.6 टू 6.0 की रेंज में होती है, यानी कि जो हमारी नॉर्मल रेन है वो स्लाइटली एसिडिक रेन होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो कार्बोनिक एसिड बनाती है। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं CO2 जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बोनिक एसिड बनता है, और इसी कार्बोनिक एसिड की वजह से हमारी नॉर्मल रेन की पीएच भी जो है वो 5.6 टू 6.0 की रेंज में होती है। बट एसिड रेन में क्या होता है कि जब ये जो गैसेस जो मैंने आपको बताई SO2 और NOx, ये वाली गैसेस जो एटमॉस्फेयर में जब ऐड होती हैं तो ये भी कुछ एसिड्स बनाती हैं, जैसे कि H2SO4 और HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये दो एसिड्स बनाती हैं। और जब ये एसिड्स हमारी नॉर्मल रेन में ऐड होते हैं तो उसकी पीएच और ज्यादा लो हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी नॉर्मल रेन भी एसिडिक होती है। और जो एसिड रेन है उसकी पीएच रेंज करती है 4.2 टू 4.5
फोर। तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, इस बार ग्राफ में देख सकते हैं कि नॉर्मल रेन की पीएच 5 और कहीं 6 के बीच में लाई कर रही है, लेकिन जो एसिड रेन है वो 4 के आसपास जो है उसकी पीएच लाई कर रही है। तो इससे पता लगता है कि हमारी एसिड रेन जो है उसकी पीएच नॉर्मल रेन से भी ज्यादा लो होती है। तो अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ एसिड रेन की, तो यानी कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ये एसिड रेन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में बन रही है। तो सबसे पहले ये जो कॉजेज ऑफ एसिड रेन है इन्हें दो डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है, एक है नेचुरल कॉजेज और दूसरे हैं मैन मेड कॉजेज। तो नेचुरल कॉजेज की बात करें तो हमारे जो नेचर में एक्टिविटीज हो रही हैं जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन, रॉटिंग वेजिटेशन, सी स्प्रेज, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, लाइटनिंग, तो इन सब एक्टिविटीज की वजह से जो है हमारे एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जैसी गैसेस जो हैं वो ऐड हो रही हैं और जिनकी वजह से एसिड्स बन रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर में और एसिड रेन जो है वो बन रही है। तो बात करें तो वॉल्केनिक इरप्शन जैसे हो गया, वहां से सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है, रॉटिंग वेजिटेशन से भी जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड और NOx जैसी गैसेस रिलीज होती हैं, उसके बाद सी स्प्रेज से जो है सल्फर कंपाउंड जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, उसके बाद बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से भी सल्फर कंपाउंड रिलीज होते हैं, लाइटनिंग से भी NOx जैसी गैसेज जो है हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं जो कि अल्टीमेटली नाइट्रिक एसिड और सल्फ्रिक एसिड को जो है प्रोड्यूस करती हैं और हमारी रेन जो है एसिडिक हो जाती है। अब बात करते हैं मैन मेड कॉजेज की। तो मैन मेड कॉजेज की बात करें तो इंपॉर्टेंट जो दो कॉजेज हैं वो है इंडस्ट्रियल एमिशन और दूसरा है व्हीकुलर एमिशंस। तो इंडस्ट्रीज भी जो है आपको पता है मेजरली फॉसिल फ्यूल्स से कोल पे जो है काम करते हैं, कोल की वजह से जो है उनको एनर्जी मिलती है, तो उसकी वजह से क्या होता है सल्फर डाइऑक्साइड और NOx जो है वो इंडस्ट्रियल एमिशन से भी प्रोड्यूस होती है और व्हीकुलर एमिशन से मेजरली जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है वो रिलीज होती है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ एसिड रेन की और केमिस्ट्री ऑफ एसिड रेन की। तो केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारी एसिड रेन जो होती है उसमें दो इंपॉर्टेंट एसिड्स जो है हमारे एटमॉस्फेयर में बनते हैं जिनकी वजह से हमारी एसिड रेन प्रोड्यूस होती है और वो दो एसिड्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो सबसे पहले बात करते हैं एटमॉस्फेयर में सल्फरिक एसिड कैसे बनता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है उसमें है फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि जब भी फ्यूल बर्न होता है तो उसके अंदर प्रेजेंट जो सल्फर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैस बनाता है और ये जो गैस है ये हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। और फिर जब ये एटमॉस्फेयर में ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है रिलीज होती है तो एटमॉस्फेयर में जो हमारे वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं उनके साथ ये सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करके सल्फ्यूरस एसिड बनाता है और जब ये सल्फ्यूरस एसिड बनता है सल्फ्यूरस एसिड उसके बाद अगेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और सल्फरिक एसिड को बनाता है। तो इस तरह से जो है सल्फरिक एसिड जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस हो जाता है और हमारे अल्टीमेटली एसिड रेन को जो है बना देता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की, ये जो नाइट्रिक एसिड है किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले सोर्स की बात करें तो जो हमारे व्हीकल्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, ये मेजरली जो है इनसे जो है नाइट्रिक एसिड नाइट्रोजन NO2 जो है रिलीज होती है। तो ये जो नाइट्रिक एसिड बनने का प्रोसेस है ये दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है, एक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन और दूसरा है नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन। तो सबसे पहले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसे बनता है ये तो आपको पता ही है, जब भी कोई फ्यूल बर्न करेगा तो क्या होगा कि जो नाइट्रोजन गैस है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी एट हाई टेम्परेचर तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड जैसी गैस बनाएगी और फिर उसके बाद ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है ये अगेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाएगी जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। और जब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है और फिर वहां एटमॉस्फेयर में जाके ये वाटर के साथ रिएक्ट करती है और नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर प्रोड्यूस करती है और यही मिक्सचर जो है हमारी रेन में ऐड होकर उसे एसिडिक कर देता है। तो ये तो था केमिकल कंपोजिशन ऑफ एसिड रेन के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ एसिड डिपोजिशन ऑन अर्थ सरफेस, यानी कि हमारे अर्थ के सरफेस में जो एसिड डिपॉजिट होता है एटमॉस्फेयर के थ्रू वो कौन सी दो डिफरेंट फॉर्म्स में होता है। सबसे पहले होता है वेट डिपोजिशन और फिर दूसरा है
ड्राई डिपोजिशन। तो वेट डिपोजिशन से आप समझ ही रहे होंगे, वेट यानी रेन या जिसमें वाटर इन्वॉल्व हो। तो एसिड रेन जब फॉग, स्नो, स्लीट या रेन की फॉर्म में होती है तो उसे हम वेट डिपोजिशन कहते हैं। तो इसके मैकेनिज्म की बात करें तो वेट डिपोजिशन में क्या होता है कि ये जो हमारी पॉल्यूटेंट गैसेस हैं SO2, NOx, ये वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके एसिड्स बनाती हैं, और ये जो एसिड्स हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, इन द फॉर्म ऑफ रेन, फॉग, स्नो और स्लीट जो है हमारे अर्थ के सरफेस पर डिपॉजिट होती हैं, और इसे हम वेट डिपोजिशन कहते हैं। और इंपैक्ट की बात करें तो जो हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, तो वेट डिपोजिशन के इंपैक्ट्स क्या है, ये सॉइल की क्वालिटी को इफेक्ट करती है, प्लांट्स को इफेक्ट करती है, और जो एक्वेटिक सिस्टम है यानी एक्वेटिक वाटर बॉडीज हैं उन पे भी बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट जो है एसिड रेन का देखने को, वेट डिपोजिशन एसिड रेन का देखने को मिलता है। उसके बाद ये जो एसिड है, मैंने आपको बताया कि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल भी करते हैं, यानी कि एक जगह प्रोड्यूस हुए, दूसरी जगह जब एयर ट्रेवल करती है तो दूसरी जगह जाके एसिड रेन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो एसिड्स हैं ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल भी करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राई डिपोजिशन की। तो ड्राई डिपोजिशन में सिंपल सी बात है, ड्राई में आपको समझ आ रहा होगा कि जिसमें वाटर की कंटेंट नहीं होता है, ये ड्राई मोड में होता है। इसमें क्या होता है, ये जो एसिडिक गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रिक एसिड और सल्फ्रिक एसिड जो है बनता है, तो ये सल्फ्रिक एसिड ये क्या करता है, ये डस्ट पार्टिकल्स के सरफेस पे अटैच हो जाता है। फिर उसके बाद जब आस्ता आस्ता डस्ट पार्टिकल्स हमारे सरफेस पे सेटल होते हैं या सरफेस में जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके ऊपर जो है डिपॉजिट होते हैं, फिर उसके बाद जो है इनका नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ड्राई डिपोजिशन में क्या होता है, एसिड जो है डस्ट पार्टिकल्स के थ्रू जो है अर्थ के सरफेस पर डिपॉजिट होते हैं। तो मैकेनिज्म मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये सेटल होते हैं एटमॉस्फेयर के थ्रू हमारी बिल्डिंग्स पर, कार्स पर, वेजिटेशन पर, वाया डस्ट सेटलमेंट। ठीक है, डस्ट जो है जब सेटल होती है तो ये एसिड्स जो है हमारी अर्थ के सरफेस पर डिपॉजिट होते हैं। और ये जो ड्राई डिपोजिशन का प्रोसेस है, सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट अंगस स्मिथ ने 1852 में मैनचेस्टर, इंग्लैंड में। तो अब हम बात करते हैं इंपैक्ट्स की। तो ड्राई डिपोजिशन का इंपैक्ट मैं आपको बता चुका हूं कि जब ये ड्राई डिपोजिशन डस्ट के थ्रू होती है, उसके बाद इसके ऊपर जब रेन हो तो क्या होगा, ये सारा एसिड बहकर हमारी वाटर बॉडीज में चला जाता है, जिनके थ्रू ये है जो लेक्स हैं या वाटर बॉडीज हैं वो एसिडिफाई हो जाती हैं, एसिडिक बन जाती हैं। उसके बाद साथ ही साथ हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं या जो स्टैचूज वगैरह हैं, उनके ऊपर जब ये एसिड डिपॉजिट होता है डस्ट की फॉर्म में, तो उनको भी बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है और वो भी खराब हो जाते हैं। तो नेक्स्ट अब देखते हैं इंपैक्ट्स ऑफ एसिड रेन के बारे में, यानी एसिड रेन के क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो हम अब डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हमें पता है कि हम ये समझेंगे कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स पे क्या नेगेटिव इफेक्ट जो है एसिड रेन का देखने को मिलता है। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारी बॉडी में एक इंपॉर्टेंट फ्लूड है ब्लड, और ब्लड की जो पीएच है वो 7-8 की रेंज में होती है। तो इसी तरह से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनके भी ब्लड की पीएच जो है 7-8 की रेंज में होती है, और ये जो 7-8 की नॉर्मल पीएच है ये तभी ये जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में जो ब्लड की नॉर्मल पीएच तभी मेंटेन हो सकती है जब वाटर की पीएच जो है 6.5 से 8.5 की रेंज में हो। लेकिन क्या होता है कि जब एसिड जो है वो हमारे वाटर बॉडीज में जब डिपॉजिट होता है, तो उससे क्या होता है कि जो हमारी लेक्स हैं या वाटर बॉडीज हैं उनकी पीएच जो है वो लो हो जाती है, जिससे वो एसिडिक हो जाती हैं, और ये जो 6.5 और 8.5 जो नॉर्मल पीएच है वाटर बॉडीज की वो डिस्टर्ब हो जाती है, और इसके अंदर वाटर के अंदर रहने वाली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि फिशेज हो गए, इनवर्टिब्रेट्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए और शेल्ड ऑर्गेनिज्म हो गए, ये अपनी बॉडी के अंदर जो फ्लूड है, जो ब्लड है, उसकी पीएच को मेंटेन नहीं कर पाते। इनकी जो शेल्स होती हैं वो एसिडिक इन्वायरमेंट की वजह से डिजॉल्व हो जाती हैं, जिससे उनकी लाइफ साइकिल पे या उनकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है, और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मर जाते हैं। और अगर पीएच 4 तक पहुंच जाए तो ये बहुत ज्यादा लीथल होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब ये सब मैं आपको बता चुका हूं, और बहुत सारी लेक्स हैं जो यूरोप में हैं, यूएस में हैं, जिनकी पीएच जो है 4 से भी नीचे
चली गई है और वो डेड जोन्स बन चुकी हैं, यानी कि उनके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं बहुत जो रहते हैं बहुत कम हो चुके हैं और वो मर चुके हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं एसिड रेन का फॉरेस्ट इकोसिस्टम पे क्या नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। तो बात करें तो जो ट्रीज और प्लांट्स हैं वो एल्यूमिनियम आयन के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी कि वो ये जो एल्यूमिनियम है ये उनके लिए टॉक्सिक होता है। तो होता क्या है, जब नॉर्मल कंडीशंस में ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या AlOH3 मिनरल है ये हमारी सॉइल में नॉर्मली जो है इनसॉल्यूबल होता है, ये डिसॉल्व नहीं होता। लेकिन जब हमारी सॉइल के ऊपर जब एसिड रेन गिरती है तो एसिड रेन की वजह से देखिए ये 3H+ ये एसिड है, तो एसिड रेन जब हमारी सॉइल के ऊपर गिरती है तो ये AlOH3 जो है ब्रेक हो जाता है और Al3+ यानी कि Al3+ जो आयन है उसे रिलीज करता है हमारी सॉइल से। और जब ये Al3+ ग्राउंड वाटर में जाके फिर ये एड हो जाता है, और जब ये जो Al3+ प्लांट्स की रूट्स के साथ कांटेक्ट में आता है तो जो प्लांट्स की जो ग्रोथ पे नेगेटिव इंपैक्ट इसका देखने को मिलता है। Al3+ की टॉक्सिसिटी जो है प्लांट्स में देखने को मिलती है। और उसके बाद बात करें तो ये जो एसिड रेन है ये प्लांट्स के लीव्स को रूट्स को जो है वीक कर देता है, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो इफेक्ट होती है। उसके बाद फॉरेस्ट में देखा जाए काफी सारी बड़ी बड़ी फॉरेस्ट देखी गई हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा जिनके ऊपर ये जो है जिनको एसिड रेन जो है बहुत ज्यादा डैमेज करती है। फॉर एग्जांपल बात करें ब्लैक फॉरेस्ट इन जर्मनी, जिसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट देखा गया एसिड रेन का। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड स्टेट्स और कैनेडा की और बाकी कंट्रीज की जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गई, यहाँ पे भी जो है फॉरेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा एसिड रेन का नेगेटिव इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन सॉइल इको सिस्टम, सॉइल के ऊपर क्या नेगेटिव इफेक्ट जो है एसिड का पड़ता है। तो हम बहुत सारे अलग अलग हेडिंग्स में जो है सॉइल के ऊपर जो एसिड रेन का इफेक्ट है उसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करें न्यूट्रिएंट लीचिंग की। तो जब ये एसिड रेन हमारी सॉइल के ऊपर गिरती है तो जो हमारी सॉइल है उसकी पीएच लो हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम जैसे मिनरल्स जो हैं वो हमारी अर्थ के जो क्ले है उससे डिटैच हो जाते हैं और रेन के थ्रू वॉश हो जाते हैं, जिससे क्या होता है हमारी सॉइल का जो न्यूट्रिएंट है वो लॉस हो जाते हैं और हमारी जो सॉइल की क्वालिटी है वो सॉइल की क्वालिटी जो है वो पुअर हो जाती है खराब हो जाती है। और साथ ही साथ अगर सॉइल की क्वालिटी लो होती है तो प्लांट ग्रोथ भी जो है नेगेटिवली इफेक्ट होती है। नेक्स्ट है सॉइल के अंदर जो टॉक्सिक मेटल्स हैं वो मोबिलाइज हो जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी Al3+ की बात की, एल्यूमिनियम के आयन की बात की। तो इस तरह के एल्यूमिनियम जैसे जो टॉक्सिक मेटल्स हैं या आयन्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं सॉइल में, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ को नेगेटिव ग्रोथ के ऊपर या के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। फिर उसके बाद ये जो एसिड रेन है सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स पाए जाते हैं उनकी ग्रोथ पर भी बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट जो है जो कॉज करता है। जैसे कि आपको पता है कि अगर लो पीएच होगी उस लो पीएच में लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सॉइल की जब पीएच लो हो जाएगी तो उसमें रहने वाले जो माइक्रोबियल कम्युनिटी है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट होगा, जिससे क्या होगा कि माइक्रोबियल पॉपुलेशन जो है सॉइल के अंदर कम हो जाएगी और जो सॉइल के अंदर इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं जैसे कि डीकंपोजिशन हो गया न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो गया ये सब जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये सब स्लो हो जाएंगे या वीक हो जाएंगे। और हो सकता है बहुत ज्यादा एसिडिफाई हो जाए सॉइल तो उससे ये बिल्कुल ये जो डीकम्पोजिशन और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का प्रोसेस है ये बिल्कुल स्टॉप भी हो सकता है। उसके बाद इससे क्या होगा जब डीकम्पोजिशन और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग नहीं होगी तो सॉइल की फर्टिलिटी अल्टीमेटली इफेक्ट होगी और उससे अल्टीमेटली प्लांट ग्रोथ को नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो नेक्स्ट अब उसके बाद सॉइल की जो बफर कैपेसिटी है उसके ऊपर भी एसिड रेन बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट जो है कॉज करता है। जैसे कि नॉर्मली क्या होता है हमारी सॉइल के अंदर एक बफरिंग कैपेसिटी है, बफरिंग कैपेसिटी यानी अगर थोड़ा बहुत पीएच में चेंज आता है तो हमारी सॉइल उसको एडजस्ट कर देगी और दोबारा से सॉइल की पीएच न्यूट्रल हो जाएगी। लेकिन अगर बार बार
प्रोलॉन्ग एक्सपोजर होगा एसिड रेन का, यानी बार बार एसिड रेन हो रही है सॉइल के ऊपर, तो वो क्या होगा, उससे जो हमारी सॉइल है बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगी, और अब जो है हमारी सॉइल की जो कैपेसिटी है बफरिंग की, यानी कि एसिडिटी को या पीएच को नॉर्मल करने की, वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा एसिडिक हो चुकी है सॉइल। तो इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में क्या होगा, सॉइल की एसिडिफिकेशन हो जाएगी, एसिडिक सॉइल बन जाएगी, और हमारी जो सॉइल की क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा आर्किटेक्चर है, बिल्डिंग्स हैं, ये उनके ऊपर क्या नेगेटिव इफेक्ट जो है एसिड रेन का देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले लाइमस्टोन और मार्बल पे जो है एसिड रेन का बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि मार्बल में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो जब ये मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। तो मार्बल नॉर्मली देखिए, जैसे ये ताजमहल है, ये नॉर्मली व्हाइट कलर का होता है मार्बल है, लेकिन अगर इस पे एसिड रेन गिरती रही तो ये एक दिन क्या होगा, ये पेल येलो कलर का या पेल कलर का हो जाएगा। तो इस तरह से जो मार्बल है या लाइमस्टोन है, इसके ऊपर जब एसिड गिरता है तो ये करोड होता है, और इसमें स्ट्रक्चरल वीकनिंग हो जाती है, जिससे ये खराब भी हो सकते हैं, टूट भी सकते हैं। तो इस तरह से एसिड रेन का जो है लाइमस्टोन के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होता है। उसके बाद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कार्स हो गए, एयरप्लेन्स हो गए, स्टील ब्रिजेस हो गए, पाइपलाइंस हो गई, इनके ऊपर भी जो है एसिड का बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट, एसिड रेन का नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये स्ट्रक्चर जो है वो करोजन इनमें देखने को मिलता है, जिससे हमें जो है बार बार इन स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करना पड़ता है, और इससे क्या है, बहुत सारे सेफ्टी हजार्ड्स भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर ब्रिजेस हैं, स्टील ब्रिजेस हैं, तो यहाँ पे जब एसिड रेन गिरेगा तो ये बहुत ज्यादा करोड हो जाएगा, और करोड होने से क्या है, स्ट्रक्चर वीक हो सकता है और ब्रिज जो है टूट सकता है, जिससे बहुत बड़ा हादसा या सेफ्टी हजार्ड देखने को मिल सकता है। उसके बाद हेरिटेज बिल्डिंग्स की बात करें तो इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा एसिड रेन का नेगेटिव इफेक्ट है, जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ताजमहल, जिसकी मैं बात कर चुका हूँ, इनसे क्या होता है, एसिड रेन जो है इनको डैमेज कर देती है, इनकी जो हिस्टोरिकल और कल्चरल वैल्यू है, उस जो एसिड रेन है इनको, ये जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं इनकी जो हिस्टोरिकल और कल्चरल वैल्यू है वो भी जो एसिड रेन की वजह से डिग्रेड हो सकती है, क्योंकि अगर ऐसी ड्रेन होगी तो ये बिल्कुल खराब हो जाएंगे, तो इनको देखने का तो कोई मजा ही नहीं है, देखने का मतलब ही नहीं रहेगा, है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ पे क्या नेगेटिव इफेक्ट जो है ऐसी ड्रेन का देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बैड स्मेल्स जो है एसिड रेन की वजह से होंगी, क्योंकि डीकम्पोजिशन ही रुक जाएगी, तो कोई चीज जब डीकम्पोज नहीं होगी तो उसमें बहुत बुरी स्मेल होगी, है ना। उसके बाद विजिबिलिटी, एयर में जब फॉग वगैरह बनेगा उसमें जब ये एसिडिटी होगी, एसिड प्रेजेंट होंगे, तो उससे सबसे पहले तो इससे क्या होगा, विजिबिलिटी कम होगी, तो जब एयर में जो एसिड प्रेजेंट है उससे हमारी, जब ये स्किन के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो हमारी स्किन की इरिटेशन होगी, आईज के कॉन्टैक्ट में आएंगे जब ये एसिड्स तो हमारी आई की इरिटेशन होगी, साथ ही साथ जब हम इस पोल्यूटेड एयर को, एसिड्स वाली एयर को इनहेल करेंगे तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक पे भी नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। और इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम, पल्मोनरी एम्फिसिमा जैसी प्रॉब्लम, कैंसर जैसी प्रॉब्लम जो है वो देखने को ह्यूमंस में मिलती है। एम्फिसिमा में क्या होता है, हमारे जो एल्वियोलाइज हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं, उनमें इफेक्ट होता है, और वो जो हमारे अर्थ जो हमारे लंग्स के जो सैक्स हैं वो बड़े हो जाते हैं, और जो हमें गैस एक्सचेंज में प्रॉब्लम आती है। उसके बाद कुछ इनडायरेक्ट इफेक्ट्स भी हैं, जैसे फूड पॉइजनिंग, जैसे मैंने आपको कहा कि सॉइल के अंदर टॉक्सिक मेटल्स जो हैं वो रिलीज हो जाते हैं जब ये वाटर में ऐड होंगे, उसके बाद अल्टीमेटली जब ह्यूमंस इस वाटर को कंज्यूम करेंगे तो ये अल्टीमेटली हमें फूड पॉइजनिंग जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। उसके बाद एसिड रेन की वजह से बहुत सारे टॉक्सिक हैवी मेटल्स हो गए, जैसे मैंगनीज, कॉपर, कैडमियम, एल्युमिनियम जैसे हैवी मेटल्स हैं जो सॉइल में रिलीज होंगे और वाटर के थ्रू अल्टीमेटली हमारी या फिर क्रॉप्स के थ्रू हमारी बॉडी में अल्टीमेटली आएंगे और हमें हमारी हेल्थ पे जो है नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रीजन्स की, यानी ऐसे कौन से वर्ल्ड में जो एरियाज हैं जहां पर एसिड रेन देखने को मिलती है बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स की, यहां पर बहुत ज्यादा हैवी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से जो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसेज रिलीज होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जिनकी वजह से एसिड रेन देखने को मिलती है। तो ये है नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स का एरिया जहां पर एसिड रेन देखने को मिलती है। अब आता है ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप में पोलैंड और चेक जो है यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एमिशंस की वजह से NOx और SOx रिलीज होती हैं, जिसकी वजह से जो है एसिड रेन देखने को मिलता है। तो ये है हमारा
यूरोपियन एरिया जहां पर एसिड रेन देखने को मिलती है। अब चाइना और इंडिया की बात करें तो इन दोनों का सिमिलर रीजन है एसिड रेन होने का, क्योंकि यहां दोनों इन दोनों कंट्रीज में जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो NOx और SO2 गैसेज रिलीज हो रही है और जो है एसिड रेन बन रहा है। तो चाइना में ये एरिया है जहां पर आपको एसिड रेन देखने को मिलती है। उसके बाद स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जैसे स्वीडन, नॉर्वे, ये है स्कैंडिनेविया। यहाँ पे स्वीडन और नॉर्वे जो कंट्रीज हैं वहां पर बहुत ज्यादा जो है एसिड रेन देखने को मिलती है, और ये एसिड रेन ये खुद नहीं कर रहे हैं, स्वीडन और नॉर्वे खुद नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पे जो पोल्यूशन हो रहा है वो एयर के थ्रू ट्रेवल करके स्वीडन और नॉर्वे जैसी कंट्रीज की तरफ जा रहा है और वहां पर एसिड रेन क्रिएट हो रही है। इसी तरह से सेम केस है कनाडा में भी, तो कनाडा में भी जो है एसिड रेन की प्रॉब्लम जो है उसका कारण जो है यूएस है, क्योंकि यूएस में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है और यूएस की जो टॉक्सिक गैसेज हैं NOx और SO2 ये एयर के थ्रू ट्रेवल करके कनाडा के ओंटेरियो और क्यूबेक एरियाज में जाकर वहां पर जो है एसिड्स बनाती हैं एटमॉस्फेयर में और एसिड रेन देखने को मिलती है। तो इस तरह से इस स्कैंडिनेविया और कनाडा के केस में पोल्यूशन कोई और कर रहा है और भुगत कोई और रहा है। तो इस तरह से पता लगता है कि जो एसिड रेन की प्रॉब्लम है वो एक लोकलाइज्ड प्रॉब्लम नहीं है, एक यूनिवर्सल या एक पूरे वर्ल्ड लेवल की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये किसी भी कंट्री को इफेक्ट कर सकती है। अब बात करें कंट्रोल ऑफ एसिड रेन की, तो एसिड रेन को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो मेजरली हमें पता है कि ये जो पावर प्लांट्स हैं यहां पर जो है कोल, ऑयल, नेचुरल गैस जैसी चीजों को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। जब ये कोल बर्न करता है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और NOx जैसी गैसेस को रिलीज करता है जिससे एसिड रेन बनती है। इसलिए इस प्रॉब्लम का हल करने के लिए हम कोल को वॉश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रबर्स, और इस स्क्रबर्स के थ्रू जब हम कोल को वॉश करते हैं तो ये कोल में जो सल्फर है एक्सेस ऑफ सल्फर वो निकल जाता है और अब हमारे पास लो सल्फर कोल बच जाता है। और इस पूरे स्क्रबर्स के थ्रू वॉशिंग के प्रोसेस को हम फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन बोलते हैं, जिसमें जो है काफी हद तक जो है सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस जो होती है वो कम हो जाती है। उसके बाद बात करें हम ये जो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यानी कि जो एग्जॉस्ट से जो गैसेस निकल रही हैं उनको हम ट्रीट करें और उनमें से जो सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव कर दें, और इस प्रोसेस के थ्रू 95% जो सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस हैं वो रिलीज वो जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं हो पाती है और हमारे जो लगभग जो क्लीन एग्जॉस्ट गैस है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, और इससे जो है हम एसिड रेन की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है जो स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी डैमेज हो गए हैं उनको हम रिस्टोर करें तो भी हम जो एसिड रेन की प्रॉब्लम से जो एसिड रेन की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसे कम कर सकते हैं। जैसे जैसे हम लाइमस्टोन या लाइम है, अगर जो हमारी लेक्स, रिवर्स, ब्रूक्स जो एसिडिफाई हो चुकी हैं अगर उनमें हम लाइमस्टोन या लाइम ऐड करें तो उससे जो है हमारे वाटर बॉडीज की पीएच जो है नॉर्मलाइज हो सकती है। उसके बाद फॉर इंस्टेंस हम बात करें स्वीडन जैसी कंट्रीज में जो जहां पर लेक्स की पीएच को ऑप्टिमम बनाने के लिए नॉर्मल करने के लिए जो है बहुत ज्यादा लाइमिंग की जाती है, जो है लाइमस्टोन जो है ऐड किया जाता है। अब बात करें अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज को हम यूज करें, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न ना करके हम जैसे कि विंड एनर्जी है उसका यूज करें, जियोथर्मल एनर्जी का यूज करें, सोलर एनर्जी का यूज करें, हाइड्रो पावर एनर्जी का यूज करें, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करें जिनसे NOx और SO2 जैसी गैसेज रिलीज नहीं होती हैं, और इससे क्या होगा एसिड रेन की प्रॉब्लम को रोका जा सकता है। और कुछ और अल्टरनेटिव्स हैं जैसे फ्यूल सेल्स, नेचुरल गैस, बैटरीज यूज की जा सकती हैं जो कि क्लीनर एनर्जी सोर्सेज हैं और इससे जो है हमारी एसिड रेन की प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है। सस्टेनेबल एनर्जी प्रोसेसेस जो है उनको यूज करके हम जो है एसिड रेन की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। अब टेक्नोलॉजिकल और पॉलिसी मेजर्स, अब हम काफी सारी हमारी गवर्नमेंट क्या करे अगर स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स जो है उनको अडॉप्ट करे और स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनाए जिससे जो है एसिड रेन को रोका जा सकता है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड करें जो हमारी टेक्नोलॉजी है इस तरह की हो जिससे कम से कम NOx और SO2 रिलीज हो और
जो है एफिशिएंट बर्निंग हो फ्यूल की, तो भी हम जो है SOx और NO2 जैसी गैसेस को एटमॉस्फेयर में रिलीज होने से रोक सकते हैं। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स के थ्रू जो है एसिड रेन को कम किया जा सकता है। अगर लोग अवेयर होंगे तो कम पोल्यूशन होगा, और कम पोल्यूशन होगा तो एसिड रेन भी कम होगी। उसी तरह से इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, हम खुद जो है एनर्जी को बचा सकते हैं। उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। उसके बाद जो है क्लीन एनर्जी को सपोर्ट करके, यानी रीन्यूएबल एनर्जी के ऑप्शंस को यूज करके हम जो है पोल्यूशन को कम करेंगे, और अल्टीमेटली जो है एसिड रेन की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। और कैंपेन जैसे कैंपेन्स करके, सोशल कैंपेन्स हो गए, स्कूल प्रोग्राम्स हो गए, जिससे हम स्कूल लेवल से ही बच्चों को जो है एसिड रेन के बारे में अवेयर करके जो है एसिड रेन की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। अब केस स्टडी की बात करें तो सेंट्रल यूरोप का एरिया है ब्लैक ट्रायंगल रीजन। यहाँ पे हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा पार्टिकुलेट एमिशंस होते हैं, हैवी मेटल्स रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, जिनकी वजह से सल्फ्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है वो एटमॉस्फेयर में बनता है, और उसकी वजह से एसिड रेन बनती है, और जिसकी वजह से बहुत वहाँ के जो आसपास के जो फॉरेस्ट हैं, जो जजीरा माउंटेन्स में, उनमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है, और साथ ही साथ ह्यूमन हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिला। और ये इमेज में आप देख सकते हैं कि सेंट्रल यूरोप का जो ब्लैक ट्रायंगल रीजन है, वहाँ के फॉरेस्ट का जो है एसिड रेन की वजह से क्या हाल हुआ। तो होप यहाँ तक यही था आज का लेक्चर। अगर आपको ये समझ आया हो, अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाने का तरीका, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। धन्यवाद।